लेक्चर 27 पार्ट 2 यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट। द फर्स्ट इज पीपीएम, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। द सेकेंड वन इज मिलीग्राम पर लीटर। थर्ड वन इज डिग्री क्लार्क एंड द फोर्थ वन इज डिग्री फ्रेंच। सो पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। इट मीन्स आपकी जो हार्डनेस है आप उसका कन्वर्जन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, और जब वो 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर में डिजॉल्व होता है हम इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। सेकेंड वन इज मिलीग्राम्स पर लीटर। वेन द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज मिलीग्राम पर लीटर। द थर्ड वन इज डिग्री क्लार्क, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस डिजॉल्व इन 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। फोर्थ वन इज डिग्री फ्रेंच, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10 टू द पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर। सो व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल द फोर यूनिट? द 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm, 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 0.1 डिग्री फ्रेंच, 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 0.07 डिग्री क्लार्क। इट विल हेल्प टू सॉल्व द न्यूमेरिकल एसोसिएटेड विद द हार्डनेस ऑफ वाटर। सो द क्वेश्चन इज दैट हाउ यू कैलकुलेट द हार्डनेस। सो हियर इज द फॉर्मूला ऑफ हार्डनेस। द हार्डनेस इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन मिलीग्राम पर लीटर। द मेन पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज कि आप जो है हार्डनेस को कभी भी ग्राम या केजी में काउंट नहीं करेंगे। रीजन इज दैट आपके पास सिर्फ यही एक यूनिट है, दैट इज मिलीग्राम पर लीटर, जिसमें आप वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आपका अगर सॉल्ट का अमाउंट केजी या ग्राम में दिया हुआ है आप उसको कन्वर्ट करेंगे मिलीग्राम में। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक द सॉल्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इन वॉटर सैंपल, देन put down the mass of the hardness causing salt into equivalent weight of calcium carbonate upon equivalent weight of hardness causing salt। जिस salt का आपने mass यहाँ पे लिया है उसी salt का आप equivalent weight यहाँ पे रखेंगे to calculate the hardness। As we know that equivalent weight of calcium carbonate हमेशा 50 होता है, और इसके साथ हमको ये भी मालूम है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। द फर्स्ट वन इज टेम्परेरी हार्डनेस विच इज कॉज्ड बाय द बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड द सेकेंड वन इज परमानेंट हार्डनेस विच इज कॉज्ड बाय द क्लोराइड सल्फेट एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल। सो जब आप इन दोनों हार्डनेस को एड कर देंगे तो आपके पास जो अमाउंट निकल के आएगा दैट इज नोन एज द टोटल हार्डनेस। Let's do a numerical based upon this. The first question is that a water sample contains 408 milligram of calcium sulfate per liter. एक water sample है जिसके की 1 liter में 408 milligram of calcium sulfate dissolve किया गया है. Calculate the hardness in terms of calcium carbonate equivalent. So first thing we have to check is calcium sulfate is responsible for hardness or not. तो हमने lecture number first में हमने इस चीज को study किया था कि calcium sulfate is responsible for hardness. So we take the amount of this salt. Already milligram में ये आपको given है, तो there is no need to conversion. आप 408 मिलीग्राम आपने सॉल्ट ले लिया है, मास ले लिया है, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 50 एंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। आपको याद रखना है, आपको बार बार ये चीज अपने माइंड में रखना है कि जिस सॉल्ट को आप यहाँ पे ले रहे हैं, जिसका आप मास ले रहे हैं, आप उसी का इक्विवेलेंट वेट लेंगे, दैट इज 61।
तो आंसर विल बी 300 mg पर लीटर. और अभी हमने पहली स्लाइड में इंटर रिलेशन पढ़ा था कि व्हाट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन मिलीग्राम एंड पर लीटर, दैट इज इक्वल होता है 1 mg पर लीटर इक्वल्स टू 1 ppm. सो 300 mg पर लीटर इक्वल्स टू 300 ppm. नेक्स्ट आते हैं, एक न्यूमेरिकल और देखते हैं. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट डिसॉल्व पर लीटर गिव्स 84 ppm हार्डनेस. इट मींस कि हम कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट 1 लीटर में डिसॉल्व करें कि जिससे कि जो वाटर सैंपल की हार्डनेस है वो 84 ppm के इक्विवेलेंट हो जाए. तो आपने क्या करना है, आपने हार्डनेस का फॉर्मूला आपको पता ही है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. सो आपको मास गिवन है नहीं, उन्होंने पूछा है, आपको हार्डनेस गिवन है दैट इज 84. तो आप 84 आपने हार्डनेस रख दी, अमाउंट ऑफ इधर आ जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट का अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 50, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 42 होता है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 70.56 ppm और 70.56 mg ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो 84 ppm के इक्विवेलेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा. सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बस वैल्यूज चेंज है और सॉल्ट दिए हुए हैं. आपको इसमें कैलकुलेट करना है टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इन ppm, डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क. सो विल मेक अ टेबल. यहाँ हमने ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रखा हुआ है, दिस इंडिकेटिंग द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, यानी कि इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है. आप मास गिवन है आपको दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मिलीग्राम पर लीटर. तो आपने क्या किया है, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो आपके पास इंडिविजुअली हर एक सॉल्ट की हार्डनेस आ गई है. अब आप क्या करेंगे, टेम्परेरी हार्डनेस. आपको मालूम है कि टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है. तो आप इन दोनों सॉल्ट की हार्डनेस को ऐड कर देंगे. इन दोनों सॉल्ट की हार्डनेस को आपने ऐड कर दिया दैट इज 6.58 mg. ठीक है, अब आप इसको कन्वर्जन फैक्टर की हेल्प से कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क में. सेम आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे परमानेंट हार्डनेस के लिए. अब आपको मालूम है कि क्लोराइड सल्फेट और नाइट्रेट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए. तो आपको सल्फेट गिवन है इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ. तो आपने यहाँ से सल्फेट लिया, इनकी हार्डनेस जो आपने इंडिविजुअली सॉल्ट की निकाली है इनको आपने क्या किया, ऐड किया, और आपके पास परमानेंट हार्डनेस आ गई है. आपने इस परमानेंट हार्डनेस का भी कन्वर्जन कर दिया डिग्री फ्रेंच में और डिग्री क्लार्क. अब आप इस हार्डनेस को ऐड कर देंगे टोटल, तो आपके पास टोटल हार्डनेस आ जाएगी दैट इज परमानेंट टोटल हार्डनेस. तो टेम्परेरी हार्डनेस आ गई, परमानेंट हार्डनेस आ गई. ये वाला चैप्टर का सेगमेंट हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं.